आप भी यही चाहते हो कि आपकी स्किन होने वाले कई तरह की प्रॉब्लम जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, आपकी स्किन पे काले धब्बे जो बिल्कुल डार्क हो चुकी है स्किन, वो आपकी स्किन बिल्कुल लाइटनिंग हो जाए, स्किन ब्राइटनिंग हो जाए। तो देखो गाइस, आज की वीडियो में बात करूंगा फेस फेस स्किन ब्राइटनिंग क्रीम के बारे में, जो हमारी स्किन पे होने वाले कई तरह की प्रॉब्लम को हटाएगा। गर्मी के अंदर हमारी स्किन पर कई ऐसी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारी स्किन पे जो फेस है वो बिल्कुल बेकार दिखना स्टार्ट हो जाता है और हमारी स्किन बिल्कुल डल होना स्टार्ट हो जाती है। हम कई तरह की ऐसी क्रीमें यूज करते हैं जिससे हमारी स्किन पे होने वाले कई तरह की प्रॉब्लम वो हट तो जाते हैं, लेकिन जैसे हम क्रीम छोड़ते हैं वैसे वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो में एक ऐसी क्रीम के बारे में बात करने वाला हूँ, फेस स्किन ब्राइटनिंग क्रीम के बारे में, जो आपको स्किन पे दिख रही है इसके बारे में आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ कि कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारी स्किन के लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखो गाइस, ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो गाइस लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। वैसे मैं अभी एक आयुर्वेदिक का चैनल खोलने वाला हूँ, जिसके अंदर कई आयुर्वेदिक नुस्खे आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसका यूज करके आपके फेस को, स्किन को बिल्कुल गोरा बना सकते हो, बॉडी को भी आप गोरा बना सकते हो। वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस चैनल को वहां जाकर आप उसको सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही अब कॉन्टेंट बनाने वाला हूँ जिससे आपकी स्किन पर होने वाले कई तरह की प्रॉब्लम को हटाएगा, और आयुर्वेदिक जो नुस्खे वो आपको मैं बताऊंगा उनको यूज करके आप आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से क्लीन और आपकी स्किन को गोरा बना सकती हो, ठीक है। तो फेस स्किन ब्राइटनिंग क्रीम के बारे में बात करता हूँ, तो ये हमारे स्किन पर किस तरह की प्रॉब्लम है उसको हटाएगी, पहले बात कर लेता हूँ उसके बेनिफिट के बारे में, ठीक है गाइस। धूप से होने वाली किरणों से आपकी स्किन को सुरक्षित रखने में काफी तरह की हेल्प करेगी ये क्रीम। त्वचा को स्पष्ट रूप से तो स्किन को चमकदार बनाने में हेल्प करेगी, धूप से होने वाले नुकसान से आपकी स्किन को बचाएगी, रोम छिद्रों की उपस्थिति को बिल्कुल कम करेगी जिससे आपकी स्किन स्मूथ दिखना स्टार्ट होगी, आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन काले धब्बे स्किन बिल्कुल डार्क हो डल डल हो चुकी है उसको बिल्कुल अच्छी तरह से हटाने में हेल्प करेगी। अब बात करता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। देखो अक्सर क्या होता है, उनके जो इंग्रेडिएंट्स होता है उस पर ही डिपेंड करता है कि वो हमारी स्किन पर किस तरह से रिजल्ट दिखाएगी, हमारी स्किन को किस तरह से लाइटनिंग बनाने में हेल्प करेगी। तो इसके अंदर यूज किया है विटामिन ए। विटामिन ए एक सबसे अच्छा माने जाने वाला एक इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन पर होने वाले कई तरह के पर्यावरण प्रदूषण से जो नुकसान होते हैं उसको बिल्कुल कम करता है, जिससे हमारी स्किन पर होने वाले कई तरह की प्रॉब्लम हटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर यूज किया है नियोसिनमाइड। नियोसिनमाइड हमारी स्किन को क्लीन करने में सबसे अच्छा माने जाने वाला इंग्रेडिएंट है, जो कि कई क्रीमों में आपको देखा गया होगा, कई क्रीमों में यूज किया जाता है, जो हमारी स्किन के डार्क सर्कल है उसको हटा देता है, जिससे हमारी स्किन धीरे धीरे स्मूथ दिखती है और हमारी स्किन धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर यूज किया है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड एक माने जाने वाला इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन को बिल्कुल डल या डार्क हो चुकी है उसको बिल्कुल क्लीन करता है, उसको बिल्कुल गोरा करता है, जिससे हमारी स्किन धीरे धीरे अच्छी तरह से मेंटेनेंस होना स्टार्ट हो जाती है और हमारी स्किन अच्छी तरह से दिखना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर यूज किया है लिकोरिस, जो एक सबसे अच्छा माने जाने वाला इंग्रेडिएंट। इसके अंदर ये ही मेन एक इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन को स्मूथ बनाएगा, स्किन को बिल्कुल डल नहीं होने देगा, स्किन को बिल्कुल ब्राइटनिंग बनाने में एक माने जाने वाला इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन को अच्छी तरह से ग्लो बनाने में हेल्प करेगा। अगर मैं बात करता हूँ इस क्रीम के बारे में, इसका रिजल्ट हमारे स्किन पे कब कब आपको मिलने वाला है, तो इस क्रीम का रिजल्ट आपको ओनली फॉर 19 से 20 दिन के बाद ही आपकी स्किन पर रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गाइस इसके अंदर ना कोई स्टेरॉइड यूज किया है, ना ऐसा कोई केमिकल यूज किया गया है जो आपकी स्किन को साइड इफेक्ट करेगा या फिर आपकी स्किन पर किसी प्रकार कोई ऐसा साइड इफेक्ट करेगा जो आपकी स्किन को रेडनेस सेंसिटिव ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली ये क्रीम है, ठीक है ना गाइस। अब बात करता हूँ इसके अप्लाई करने का बिल्कुल सीधा सा तरीका, इसको अप्लाई आपको कब कब करना। अगर आपने अप्लाई करने का जो तरीका बिल्कुल सही तरह से जान लिया तो आपको मैं रियल बता रहा हूँ, आपकी स्किन पर किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा और आपकी स्किन पर कोई नुकसान नहीं होगा। आपको इस क्रीम को यूज करना है मॉर्निंग में और नाइट में। आप अगर नाइट में सोते समय ज्यादा अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन के लिए काफी तक बेस्ट होगा, आपके नाइट में काफी टाइम तक स्किन पर लगे रहेगा तो अच्छा खासा रहेगा, ठीक है ना गाइस, और अच्छा खासा आपकी स्किन पर रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठने के बाद अच्छा से एक सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। आपको पता है अब गर्मी आना स्टार्ट हो चुकी है, तो गर्मी में आप ज्यादा ज्यादा सनस्क्रीन यूज करोगे वो ही आपके लिए काफी तक हेल्प होगा, क्योंकि गाइस गर्मी में आपकी स्किन पर कई ऐसी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है जिसको हटाना नामुमकिन हो जाता है। तो अगर आप कोई क्रीम यूज करती हो तो आपको सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है, जो आपके लिए काफी तक हेल्प करेगी, आपकी स्किन पर होने वाले कई तरह की प्रॉब्लम को हटाएगी। सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होती है गर्मी के अंदर, जो हमारी स्किन पर होने वाले कई तरह के नुकसान हमारी स्किन पर बिल्कुल उसको बचाती है। तो ठीक है,
सुबह उठने के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है, उसके बाद आपको ओनली फॉर कुछ भी नहीं लगाना, आपको रेगुलर टाइम तक इस क्रीम का यूज करना है। अगर आपने कई ढेर सारी मार्केट पर आने वाली क्रीमों का यूज करा है जिससे आपकी स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम हो चुकी है, स्किन बिल्कुल बेकार हो चुकी है, स्किन बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम अनस्टर हो चुकी है, तो इस क्रीम का आपकी स्किन पर ऐसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली। आप जैसे सोच रहे हो स्किन को बिल्कुल और ज्यादा ब्लैक बना देगा छोड़ने के बाद, ऐसा ये क्रीम बिल्कुल भी नहीं करने वाली, आपकी स्किन को ये ड्राई भी बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि इसके अंदर ना कोई स्टूड यूज हुआ है। आपको मैंने पहले ही बताया स्टूड क्रीम हम जब यूज करते हैं उसके बाद जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो स्किन वैसे की जैसे जो पहले हो जाती है वैसे हो जाती है और ज्यादा उससे ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन ये क्रीम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, आपकी स्किन को और ज्यादा खराब नहीं करेगी, आपकी स्किन को अच्छे तरह से मेंटेनेंस बनाने के लिए ही ये क्रीम के लिए मैं आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ, जो आपकी स्किन के लिए काफी तक बेस्ट होगी। ठीक है, अब बात करता हूँ साइड इफेक्ट्स के बारे में। जो है अक्सर होता क्या, हम जब कोई क्रीम यूज करते हैं तो किसी न किसी क्रीम से हमारी स्किन पर पहले से कोई ना कोई साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जो है जैसे हम क्रीम का यूज करते हैं तब तक तो हमारी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, लेकिन गाइस धीरे 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 हम उन क्रीमों को यूज करते हैं वैसे वैसे हमारी स्किन पर साइड इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। वैसे अगर मैं इस क्रीम के बारे में बात करता हूँ, फेस स्किन ब्राइटनिंग क्रीम के बारे में, वैसे इस क्रीम का जिस जिस लोगों ने यूज करा है उनकी स्किन पर किसी प्रकार बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया वो आपको मैं बता देता हूँ। जो गाइस ग्लाइकोलिक एसिड हमारी स्किन पर कोई ड्राई वे स्किन को सेंसिटिव बिल्कुल नहीं करता, हम इसको ढंग से और सही तरह से यूज करते हैं तो। ठीक है, नियोसिनामाइड से हमारी स्किन पर साइड इफेक्ट होता है, लेकिन गाइस इसके अंदर लिकोरिस और विटामिन ई यूज किया गया वो हमारी स्किन पर इसको साइड इफेक्ट दिखाना नहीं देता है और हमारी स्किन को अच्छे तरह से मेंटेनेंस बनाने में हेल्प करता है। जो गाइस ये क्रीम बिल्कुल मैं सोच समझ के लिए आज की वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरी ऑडियंस को ये सब प्रोडक्ट बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कराता हूँ जिससे आगे जाकर उनकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे वो यूज करते हैं उनकी स्किन पर धीरे-धीरे रेडनेस होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन जलन टाइप होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस क्रीम से ना तो आपकी स्किन जलन होगी, ना आपकी स्किन पर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपकी स्किन पर किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट होगा, ये आपको बात क्लियर कर देते हैं अगर आप इसको सही तरह से यूज करते हैं जैसे आपको मैंने बताया वैसे। ठीक है ना गाइस, अब आपको मैं बता देता हूँ इस प्रोडक्ट आपको कहाँ से परचेस करना है जिससे आपको अच्छा खासा दाम में मिलेगा, आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। तो देखो इसकी जो बिल्कुल प्राइस है बिल्कुल लो है, जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी तक हेल्प होगी। आप इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हो, अच्छा खासा दाम आपको मिलेगा। लेकिन गाइस आप इसको अमेजोन से मंगाए जो ओरिजिनल आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना गाइस, तो देखो अक्सर मैं कई ऐसे क्रीमें लेकर आता हूँ जिससे आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट सही तरह की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाइस एंड तक उसकी बिल्कुल डिटेल और बिल्कुल सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ। हमेशा कौन सी भी वीडियो और किसी की भी वीडियो हमेशा पूरा देखना चाहिए जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई नहीं करना है। देखो गाइस हमेशा मैं ऐसे ही प्रोडक्ट लेकर आता हूँ जिससे आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिससे आपको आगे जाकर किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हो। अगर आपको कोई किसी प्रकार कोई नुकसान हो जाता तो मुझे भी थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि गाइस आपको किसी पर कोई नुकसान होता फिर आप मेरे को कमेंट्स करते हो। देखो गाइस आपको हमेशा किसी की भी वीडियो हो जो ओनली फॉर स्किन के रिलेटिव हो, जो आपके फायदे के रिलेटिव हो, उसको हमेशा पूरा देखना चाहिए, क्योंकि गाइस आगे आपको सब कुछ क्लियर करता है जिससे आगे जाकर आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती। तो बस आज की वीडियो मैंने सब कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में बता दिए। ये आपको 50 ml में आपको ये मिलने वाली है क्रीम। ठीक है, आपको सही तरह से अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आगे जाकर आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर कोई प्रॉब्लम होती है फिर आप इसको यूज करते हैं किसी प्रकार को कोई सवाल रह जाता है आप मेरे को कमेंट्स करना, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया अबाउट में, वहाँ जाकर मेरे को मैसेज कर देना, आपका मैं रिप्लाई कर दूंगा। बस आज के वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब।